क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सीएनसी वायर ईडीएम मशीन के बारे में। सीएनसी वायर ईडीएम की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीएनसी वायर ईडीएम मशीन है क्या। तो सीएनसी वायर ईडीएम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें जो टूल यूज होता है वो होता है एक वायर। जो भी कटिंग हम करेंगे वर्कपीस की वो करेंगे एक वायर के थ्रू। वायर के थ्रू कटिंग की वजह से इस मशीन को वायर ईडीएम मशीन कहते हैं और कभी कभी वायर कट ईडीएम भी बोलते हैं। EDM का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। अब तक हमने CNC टर्निंग और CNC मिलिंग मशीन के बारे में सीखा और अब हम CNC वायर कट EDM मशीन के बारे में जानेंगे। CNC वायर कट EDM मशीन में जो वायर यूज होता है वो होता है एक ब्रास मटेरियल का या फिर ब्रॉन्ज मटेरियल का और वायर की थिकनेस वेरी करती है 0.1 mm से लेकर 0.35 mm तक। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल कट कर रहे हैं। वायर कट मशीन में दो स्पूल होते हैं, यानी कि जो वायर के स्पूल होते हैं उनको होल्ड किया जाता है और वायर को कंटिन्यूअसली वर्क पीस के पास से मूव किया जाता है। इसका जो कटिंग प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। जो वायर है इसके अंदर हाई करंट फ्लो किया जाता है जिसकी वजह से जब मटेरियल वायर के कॉन्टेक्ट में आता है तो एक स्पार्क जनरेट करता है। स्पार्क के जनरेट होने से वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और मटेरियल पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, जो भी हमारा वर्कपीस है उस पर। और जब ये इलेक्ट्रॉन वर्कपीस पे स्ट्राइक करते हैं तो जिस मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं वो मटेरियल जल जाता है, यानी बर्न आउट हो जाता है। और क्योंकि वर्कपीस के ऊपर हम वाटर जेट को कंटिन्यू फ्लो करते हैं जिससे क्या होता है कि जो बर्न आउट मटेरियल है यानी जला हुआ मटेरियल है वो रिमूव होता रहता है और हमारा जो वायर है वो कंटिन्यू रन करता रहता है जिससे लगातार इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होता रहता है और मटेरियल कटिंग होती रहती है। मटेरियल की कटिंग होने से हमारा जो वर्कपीस है बिल्कुल स्मूथली कटिंग हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि वायर कट ईडीएम मशीन में जो टॉलरेंस मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोन तक मिलता है और कुछ अच्छी मशीन्स में ये 2 माइक्रोन तक वेरी करता है। जैसा कि आप जानते हो कि सीएनसी मिलिंग मशीन्स में, टर्निंग मशीन में जो हमें माइक्रोन में टॉलरेंस मिलता है वो 5 या 10 माइक्रोन के अप्रॉक्स मिलता है जनरली, और CNC वायर कट EDM मशीन से हमें 5 माइक्रोन इजीली मिल जाता है। CNC वायर कट मशीन है थोड़ी कॉस्टली होती है और इसका यूज लिमिटेड है। सबसे अच्छी बात आपको जानकर ये होगी कि जो भी आप टूल यूज करते हैं CNC मशीन्स में, मिलिंग में, टर्निंग में, उनकी कटिंग CNC वायर EDM मशीन से ही होती है। यानी टूल जो भी बनते हैं वो सभी टूल वायर कट EDM मशीन से ही बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ही कम वेस्ट होता है। CNC टर्निंग मशीन में, CNC मिलिंग मशीन में हमारा मटेरियल सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, चिप निकलती हैं वो सब वेस्ट की तरह काउंट किया जाता है। बट CNC वायर EDM में हमारा जो मटेरियल है वो चिप्स की फॉर्म में नहीं निकलता है और बहुत ही लिमिटेड मटेरियल को रिमूव करता है, यानी जितने mm का डाया होता है वायर का उतना ही मटेरियल हमारा रिमूव होता है, बाकी का मटेरियल यूजेबल होता है, यानी दूसरा टूल हम बना सकते हैं मटेरियल से। जैसा कि आप जानते हो कि टूल स्टील काफी महंगी होती है और इसमें हम मटेरियल को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसी रीजन से हम वायर कट EDM मशीन का यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली मटेरियल पर यूज किया जाता है और इसका ऑपरेशन काफी कॉस्टली होता है। अब मैं बता देता हूं कि इसमें जो वाटर यूज करते हैं वो डीमिनरलाइज वाटर होता है। डीमिनरलाइज वाटर होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो है वो निग्लिजिबल होता है, यानी होता ही नहीं है। अगर आप रनिंग मशीन में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको अपने हाथ से टच करोगे तो आपको करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसमें हम डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि करंट का फ्लो हमेशा सॉल्टी वाटर में होता है, अगर वाटर के अंदर मिनरल्स नहीं होंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। वाटर में करंट का फ्लो तभी होता है जब उसके अंदर सॉल्ट या मिनरल्स कंटेंट होते हैं।
इसी रीजन से हम वायर कट ईडीएम मशीन में डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एलकम सॉफ्टवेयर यूज होता है और RRAPT सॉफ्टवेयर है, रामरत्ना APT सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, इंडिया के ही इंजीनियर ने बनाया था ये सॉफ्टवेयर रामरत्ना ने, और ये मशीन अभी भी यूज हो रही है। 1960 में सबसे पहले इस मशीन का इन्वेंशन किया था डेविड एच डुले बोहन ने, और इस मशीन का यूज हुआ था सबसे पहले टूल एंड डाई मेकिंग में। आज भी ये मशीन यूज होती हैं केवल टूल एंड डाई मेकिंग के अलावा कुछ कॉस्टली इक्विपमेंट्स बनाने में, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी बिल्कुल जी कोड और एम कोड पे ही बेस्ड है। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसी में हम डिजाइनिंग करते हैं, वर्कपीस की डिजाइनिंग उसी सॉफ्टवेयर में करते हैं, और डेलकैम जैसे जी कोड जनरेट करता है उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर कोड्स को जनरेट करते हैं और मशीन में डायरेक्ट रन लेते हैं, यानी जो कंप्यूटर है उसके थ्रू डायरेक्ट मशीन में रन लिया जाता है, अलग से हम कोई प्रोग्राम बना के नहीं डालते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस टूल रूम में रहा है इसलिए मैंने ये सारी मशीन्स पे खुद प्रोग्रामिंग की है, इंजेक्शन मोल्डिंग, CNC वायर कट, EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, प्लास्टिक एक्सट्रूडर्स, ये सभी मशीन्स मैंने खुद रन की हैं, और डाई मेकिंग में मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी मैं जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के वीडियोज आगे आगे डालूंगा वैसे वैसे आपको और डीपली इसकी नॉलेज होती जाएगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी डीमेरिट बता देता हूँ कि इसमें हम हर ऑपरेशन में क्यों नहीं यूज कर सकते। इसका यूज हम ब्लाइंड होल में नहीं कर सकते, यानी पॉकेटिंग हो गई या ब्लाइंड होल्स हैं उनमें हम यूज नहीं करते, क्योंकि वायर है इसका थ्रू रन होता है, यानी वर्कपीस के आर पार रन होके निकलेगा, जो भी कटिंग होगी वो कम्प्लीटली होगी, तो इसलिए हम ब्लाइंड होल्स में नहीं कर सकते। ब्लाइंड होल के लिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन ADM का यूज करते हैं। वायर ADM में हम थ्रू कटिंग करते हैं, कंप्लीट कटिंग होगी, और वायर ADM की एक खास बात यह है कि इसमें हम 7 इंच तक के मटेरियल को बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग के साथ, एक्यूरेट टॉलरेंस के साथ कटिंग कर सकते हैं, यानी 10 माइक्रोन का अगर हमें टॉलरेंस दिया हुआ है तो 7 इंच के मटेरियल को कट करने में हम वही टॉलरेंस मिल सकता है हमें, ये इसकी खास बात है। और CNC वायर कट ईडीएम मशीन आप देख सकते हो, मैंने आपको शो की हुई है, साइड से देखते जाइए, बिल्कुल सेम वायर कट ईडीएम मशीन ऑपरेट होती है, हाई करंट फ्लो होता है इसमें, और इसका जो फिक्सर है BMC मशीन की तरह ही होता है, जिसमें हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं और जिसके साइड से हम वायर को सेट कर देते हैं, यानी ऊपर और नीचे वायर को कंटिन्यू रन देते हैं और 2 स्पूल दे देते हैं, एक भरा हुआ स्पूल और एक खाली स्पूल, नीचे वाला खाली स्पूल होता है, ऊपर भरा हुआ स्पूल रहता है, जिससे क्या है वायर कंटिन्यू निकलता रहता है और कटिंग होती रहती है। CNC वायर कट ईडीएम मशीन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है, तो इसकी सेटिंग आप एक बार कर दो पूरे दिन में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक कंटिन्यू रन होता रहेगा। और वायर का जो मटेरियल है वो टाइटेनियम का होता है, हेस्ट अलॉय, कोवर, इनकोनल, ब्रास, इन सभी मटेरियल के लिए होता है, और इसकी कटिंग आप कर सकते हो टूल स्टील, डायमंड स्टील, और अगर वायर टूट जाए तो आप दोबारा से सेटिंग करके चला सकते हो इस मशीन को, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो टूल की, इसमें जो टूल होता है वो आपका वायर होता है, उसी से आपकी कटिंग होती है। तो अभी आपको CNC वायर कट मशीन के बारे में 50% नॉलेज हो चुकी है, बाकी इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम करते हैं सॉफ्टवेयर पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।